जैसा कि आप यहां पर रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म आपने फिलअप किया होगा यहां पर 2019 में, यहां पर ऑनलाइन अप्लाई इसका 12 मार्च 2019 को अप्लाई स्टार्ट हुआ था और यहां पर 12 अप्रैल 2019 तक इसका लास्ट डेट था जिसमें यहां पर आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर अप्रेंटिस का एक नया मॉडिफिकेशन लिंक आया है तो उन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर आज के दिन में यानी कि 22 जुलाई 2022 को 6:34 में ये अपडेट किया गया है और इसका अपडेट करने के बाद इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या जानकारी है, इसका मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप नीचे आएंगे और यहाँ से मैं चलिए यहाँ पर दिया गया है दो लिंक, यहाँ पर पहला मॉडिफिकेशन लिंक के लिए यहाँ पर ओपन करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन करने का यहाँ पर पेज ओपन होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन लिंक फॉर द फिलिंग ऑफ मार्क्स CGPA और ग्रेड फॉर दोज कैंडिडेट हुज हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस कोर्स इन रेलवे नो। यहाँ पर नोट में लिखा है द लिंक विल बी एक्टिव अप टू 18/31/2022 तक। यहाँ पर यानी कहने का मतलब जो रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ फ़ायदे होने वाले हैं, तो मैं इसको मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, इसके बाद यहाँ पर ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप करना है, इसके बाद सबमिट करना है। तो चलिए मैं इसका पहला जो लिंक आया है यहाँ पर जो नोटिफिकेशन लिंक है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो नोटिफिकेशन को इसको चलिए मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ पर नोटिफिकेशन लिंक मैं ओपन कर रखा है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इन रिफरेंस टू रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स नोटिस, इसके बाद यहाँ पर लिखा है डेट 22/4/2022, इट इज़ द इन्फॉर्म दैट CCA ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट शैल बी गिवेन ड्यू टू विथेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन दियर NCBT एग्जामिनेशन इन प्रिपरेशन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर कंडक्ट ऑफ CBT। यानी कि CBT के माध्यम से जितने भी NCBT IT वाले एग्जाम प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिए हैं तो उन सब का अप्रेंटिस हुआ था तो उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ सुनहरा मौका दिया गया है। जैसा कि आपको सेकेंड वाला कोर्स में पढ़ कर दिखाता हूँ, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA, इसके बाद ट्रेंड इन रेलवे कैंडिडेट्स शुड अपलोड दियर डिटेल ऑफ मार्क्स पार्टनिंग टू NCBT एग्जामिनेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइड इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव RRB। यहाँ पर लिखा दिस लिंक इज फॉर दोज CCA हुज हैड कंप्लीटेड दियर अप्रेंटिस। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट रूप से यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी छात्र छात्राएँ जो रेलवे के माध्यम से NCBT के माध्यम से ITI कर रहे हैं कर लिए हैं ITI करने के बाद मतलब जो अप्रेंटिस रेलवे से किए होंगे, जी हाँ एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, ITI करने के बाद रेलवे से जो यहाँ पर अप्रेंटिस होता है और अप्रेंटिस कर लिए होंगे रेलवे के माध्यम से तो उन सभी का यहाँ पर जब फॉर्म आप भर रहे होंगे उस समय भरते समय आपका जो एग्जामिनेशन डेट था और जो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो फाइनल जो एग्ज़ाम होता है तो फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका डेट वगैरह या तो नंबर वगैरह में अगर आपको कहीं कमी हुआ होगा यानी फिलअप करते समय तो उन सभी के लिए यहाँ पर दोबारा मौका दिया जा रहा है। जो यहाँ पर 12/4/2019 से पहले जिनका कट ऑफ में जैसे यहाँ पर कट ऑफ डेट और कंपटीशन ऑफ द अप्रेंटिस में इन सभी में जो भी आपको फिलअप करने में अगर समस्या हुआ होगा तो उन सभी के लिए यहाँ पर दोबारा से लिंक एक्टिव कर दिया जा रहा है। जो यहाँ पर लिखा है इफ़ द कैंडिडेट फॉल्स टू फीड दियर NCBT मार्क्स वेटेज ऑफ द मार्क्स शैल नॉट बी गिवेन देन। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर नंबर दिया गया है NCBT के माध्यम से जो पहले आपने फिलअप किया होगा अगर यहाँ पर फाइनल होने के बाद अगर वो नंबर गलत होगा तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया कि फिर से आप यहाँ पर दोबारा एडिट कर सकते हैं और जो आपका नंबर आया है अप्रेंटिस में जो फाइनल डेट है और जो मार्क्स है वो सही से फिलअप कर लेंगे। इसी के लिए यहाँ पर अपडेट एक नया आया है जो अप्रेंटिस किए होंगे रेलवे के माध्यम से उन सभी के लिए यहाँ पर डेट निकाला गया है जो कि यहाँ पर आज के दिन से लेकर यानी कि 22/7/2022 से लेकर 31/7/2022 तक 6 PM इसका लिंक एक्टिव रहेगा। इन डेट में आप सभी को लिंक के माध्यम से आपको सभी कंप्लीट कर लेना होगा। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए नोटिस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा जहाँ से नोटिस आप खुद से रीड कर सकते पूरी तरह से कम्प्लीट समझ सकते हैं।